चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज चक्र वालों के कपड़े फाड़ना। कैसे कपड़े फाड़ेंगे? वैसे तो ये हर वीडियो में अपने खुद के कपड़े फाड़ लेते हैं, बट हम भी आज थोड़ा सा हेल्प करेंगे इनकी कपड़े फाड़ने में। कैसे दोस्तों? सबसे पहले आज हम बात करते हैं दोस्तों कि कुछ चक्रजीवी आजकल अपनी वीडियोस में बताने लगे हैं कि कैसे एंगुलर डिवीजन ठीक है। एंगुलर डिवीजन को आप सभी लोगों के आगे एक मॉडर्न वास्तु का नाम देके प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या वो सही है? तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा विषय आता है कि जब वास्तु शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए थे, जिस समय में वास्तु के सारे वेद लिखे गए थे, चारों वेद और वास्तु के जो वेदों से ग्रंथ बने हैं ये जब लिखे गए थे, क्या उस टाइम में सही में कोई ऐसा तरीका था जिससे दिशाएं एक्यूरेट निकाली जा सकती हैं? अगर था तो वो क्या था? कैसे उस टाइम के लोग, उस टाइम के जो ऋषि मुनि थे, वो सही दिशाएं निकाल लिया करते थे? आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर बात आती है विश्वकर्मा प्रकाश। दोस्तों वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश। मेरे पास उसके काफ़ी सारे एडिशन हैं। 1912 का मेरे पास सबसे पुराना एडिशन है। मैं आपके सामने बुक भी आप दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आजकल वास्तु कंसल्टेंट्स बुक्स दिखा रहे हैं। ये 1912 का विश्वकर्मा प्रकाश का एडिशन है, और उसके बाद ये मेरे पास 2002 का एडिशन है विश्वकर्मा प्रकाश का। उसके बाद मेरे पास एडिशन है ये 1993 का, और उसके बाद ये आया है सबसे लेटेस्ट वाला 2017 का एडिशन। अब इसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है हमारे को, जो वास्तु वाले आजकल जो चक्रजीवी हैं स्पेशली बार बार बात करते हैं कि एंगुलर डिवीजन करना है, एंगुलर डिवीजन अच्छा है, एंगुलर डिवीजन पे काम करो। 16 दिशाएं जो विश्वकर्मा प्रकाश में दी गई हैं वो किस तरीके से बताई गई हैं, कौन सी है वो 16 जोन, कौन सी है वो 16 जो पद बनाए गए हैं विश्वकर्मा प्रकाश में। दोस्तों ये है वो 16 पद। अब इसको आप देख के बड़े आराम से, ये विश्वकर्मा प्रकाश के 1993 वाले एडिशन का पेज नंबर 26 का प्रिंट आउट है जो मैंने यहां पे लगाया है। इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि आराम से इसमें 16 दिशाएं मार्क करी हैं। सेंटर में आंगन मार्क किया है, ब्रह्मस्थान मार्क किया है। इसमें कहीं भी आपको एंगुलर डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंगुलर डिवीजन वास्तुशास्त्र में कभी भी नहीं किया जाता, जो आजकल एंगुलर डिवीजन आपको बताया जा रहा है। तो एंगुलर डिवीजन की बात करते हैं, इसमें अब हम देखते हैं, इसमें जो वो एंगुलर डिवीजन बना रहे हैं वो 5x13 का बन रहा है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट में। इस तरीके से एक साइड तो 5 ग्रिड बन रहे हैं, एक साइड यहां पर 13 ग्रिड आ रहे हैं, 13 पद बन रहे हैं। तो ये जो इनका बन रहा है 5x13 का बन रहा है ग्रिड, जो कि वास्तुशास्त्र में किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश ही हो, विश्वकर्मा प्रकाश का ही मैंने आपको दिखाया था, चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश ही हो, उसमें भी नहीं दिया, उसमें भी यही बताया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी इस तरीके से ही रेक्टेंगुलर पद बनाए गए हैं। अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये स्क्वायर के पद बनते हैं 9x9। इस तरीके से पद विन्यास किया जाता है, इस तरीके का पद विन्यास किया जाता है। इसमें कहीं पे भी कोई एंगुलर डिवीजन नहीं है, स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर पद बने हुए हैं। यही प्लॉट अगर रेक्टेंगुलर होगा, यही प्लॉट अगर आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ये पद इसी तरीके से रेक्टेंगल में आ जाएंगे। अगर ये प्लॉट इस तरीके से है, इस तरीके से होगा, तो ये ऐसे पद बनेंगे। यही सारे ग्रंथों में दिया गया है, किसी भी ग्रंथ में एंगुलर डिवीजन का कोई भी जिक्र नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वास्तु में दिशाएं कैसे निकाली जाती थी, क्या सच में सन के मूवमेंट से या सन से दिशाएं निकाली जा सकती हैं? हाँ दोस्तों वैदिक टाइम में भी जब दिशाएं निकाली जाती थी तो दिशा हमेशा उत्तर से देखी जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन से ही देखी जाती है। और नॉर्थ डायरेक्शन निकालने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स
वेदों में भी बताई गई है कि दिशा किस तरीके से, अगर किसी ने ढंग से ग्रंथ पढ़ा हो तो वो जरूर बता सकता है कि किस तरीके से दिशा निकाल सकते हैं। अगर सूरज के आप सन के जो मूवमेंट है उससे भी अगर दिशा निकालना चाहते हैं तो वैदिक टाइम में भी बताया गया था कि कैसे तिथि के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आज सन ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है या सन ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ कितना डिग्री टिल्टेड है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर का वास्तु बड़े आराम से कर सकते हैं। बट कुछ चक्रजीवी क्या करते हैं, उन्होंने अपने वेदों पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे लगा दिया कि उस टाइम में तो दिशाएं देखने का कोई ढंग का टूल ही नहीं था, कंपास तो अब 15-20 साल से आया है, कैसे उस टाइम पे दिशा देखी जाती। दोस्तों एक्यूरेसी इतनी थी उस टाइम में, वैदिक टाइम में, कि जो मंदिर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड वाइड जो मंदिर बने हुए, बहुत सारे मंदिर बने हुए जो आज भी एज इट इज़ खड़े हैं और एक्यूरेट 0 डिग्री नॉर्थ पर वो मंदिर बने हुए हैं। बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में जो एग्जैक्ट 90 डिग्री ईस्ट पर बने हुए हैं, तो वो ऐसे ही बने, अंदाजे से नहीं बने दोस्तों, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। ये जो सारे ग्रंथ हैं ये प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। ये कुछ चक्रजीवी सिर्फ अपना स्वार्थ, सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमारे ग्रंथों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि मॉडर्न वास्तु। मॉडर्न वास्तु दोस्तों एंगुलर डिवीजन या जो चक्र आज की डेट में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है वो नहीं है मॉडर्न वास्तु। मॉडर्न वास्तु वो है कि किसी ने जब वास्तु कराया, ये जो चक्रजीवी या किसी से भी वास्तु कराया, उसके बाद भी अगर उस घर का मालिक जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर उसका बेडरूम है, उसके बाद भी अगर वो ढंग से सो नहीं पा रहा तो क्या समस्या है। अगर आप वो पता लगा पाए वो है मॉडर्न वास्तु। इसके लिए भी एक छोटा सा स्कैनर है मेरे पास, ये स्कैनर का यूज किया जाता है। मॉडर्न वास्तु दिखा रहा हूं मैं आपको कि क्या है साइंस, कहां पहुंच चुका है वास्तु और पहले क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले कितना मॉडर्न टाइम था। ये एक छोटा सा स्कैनर है, ये पता लगाता है कि कहीं पे भी अगर किसी की भी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो वो किस कारण से स्लीप डिस्टर्ब्ड है, क्या वहाँ पे कौन सी किस तरीके की वेव या किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन वहाँ पर मिल रही है जिसकी वजह से वहाँ पर सोने वाले की स्लीप डिस्टर्ब्ड है। ये है वास्तु ये। और मॉडर्न की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि वेदों के टाइम में एक्यूरेसी नहीं थी, वेदों के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी। दोस्तों महाभारत के टाइम में जब धृतराष्ट्र को संजय पूरा लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था, महाभारत के टाइम आपको याद होगा ना कि वो धृतराष्ट्र जो राजा था ब्लाइंड था, वो संजय उसको लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था, एक एक सोल्जर का बता रहा था कि कौन सा सोल्जर ने किसको मारा या कौन से सोल्जर को कैसे लगी, किसने किसको मारा, कैसे मारा, कितना टाइम युद्ध चला, कैसे चला, वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था घर पे बैठ के, वहाँ उस महल में बैठ के जो वो राजा को पूरा कन्वे कर रहा था। क्या टेक्नोलॉजी थी, ये वास्तु वाले जो चक्रजीवी हैं ये सोच नहीं सकते जो टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज़ हो रही थी। उसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिक आकाशिक टेक्नोलॉजी जिसका वो यूज़ कर रहे थे। बाद में उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके निकोला टेस्ला ने भी रिसर्च करी थी इस चीज़ पर, उसने भी इसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करी थी। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स US गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोडेड है उसके, कि किस तरीके से निकोला टेस्ला ने रिसर्च करी थी वो आप पता लगा सकते हैं। इतना एडवांस टाइम था जिसको ये चक्रजीवी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं कि वेद के अनुसार जो पूर्व दिशा है उत्तर दिशा है पहले अंदाजे पे काम किया जाता था, ऐसा नहीं है दोस्तों। और एंगुलर डिवीजन किसी भी वेद में नहीं दिया गया है। अब दोस्तों थोड़े दिन पहले जर्मनी में एक अवार्ड सेमिनार हुआ था, अवार्ड फंक्शन हुआ था, जहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड से 700 कंसल्टेंट आए थे। सिर्फ 700 कंसल्टेंट को बुलाया था और वो भी उन कंसल्टेंट्स को उन्होंने खुद ने चुना था, जो सोसाइटी है जिसने अवार्ड फंक्शन
ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने चुना था। किस बेसिस पे चुना था? उन्होंने चुना था, जो अवार्ड मिलना था वो था मोस्ट एडवांस एंड साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड। ये अवार्ड था दोस्तों, और वहां से मेरे को अवार्ड मिला है। वहां पे मोस्ट एडवांस और साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट का अवार्ड मुझे मिला अभी 10 दिन पहले जर्मनी में। और एक चीज को देख के बड़ा दुख भी हुआ मेरे को कि इंडिया, जहां की ये साइंस है वास्तुशास्त्र, वहां से सिर्फ 2 कंसल्टेंट थे रिप्रेजेंटेटिव। यूएस के भी 9 कंसल्टेंट आए हुए थे वहां पर, बट इंडिया से सिर्फ 2 ही थे। क्या इंडिया में ही है 2 वास्तु कंसल्टेंट जो एडवांस और साइंटिफिक है? क्योंकि बाकी सब तो ये चक्रा बेच रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है, बात करते हैं लोग कि मैंने 1000 करोड़ का फैक्ट्री सेट करी, मैंने 100 करोड़ की फैक्ट्री सेट करी, मैंने 10 करोड़ रुपए फीस ली, मैंने 20 करोड़ रुपए फीस ली। तो दोस्तों, इस पे कभी भी मैं, क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, एक कभी भी हम उनकी डिटेल शेयर नहीं करते। बट एक छोटा सा हिंट आज मैं जरूर देना चाहूँगा, मेरी क्लाइंट लिस्ट का थोड़ा सा पोर्टफोलियो के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके के क्लाइंट्स हैं मेरे पास। तो अमेरिका की टॉप 60 जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है, उसमें से 12 कंपनी ऐसी हैं जो मेरे क्लाइंट हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे बड़े जो कपड़ा मैन्युफैक्चरर हैं, 22 जो सबसे बड़े कपड़ा मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें से 7 मेरे क्लाइंट हैं दोस्तों। इस तरीके का पोर्टफोलियो मैं मेंटेन करता हूं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में टॉप जो 20 बिल्डर्स हैं, उसमें से 3 बिल्डर ऐसे हैं जो मेरे क्लाइंट हैं। इस तरीके के क्लाइंट्स हैं मेरे। बट कभी भी मैं अपने क्लाइंट्स की कोई भी डिटेल शेयर करना पसंद नहीं करता, जो आजकल कुछ लोगों ने, कुछ चक्रजीवियों ने स्पेशली शुरू कर दिया है कि कहीं भी पहुंच जाओ क्लाइंट की साइट पे, वहां पे वीडियो बनाना शुरू कर दो। तो दोस्तों, अब फैसला आपको करना है कि आपको जो वेदों के साथ सबसे बड़ा छलावा हो रहा है कि आप उनके साथ जाएंगे, या जो एक्चुअल में हमारे वेद हैं, जो सेल्फ सफिशियंट है अपने आप में, उनके साथ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।